लवली मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोग का फिर से स्वागत है मेरे व्लॉग पे, नवीना धामे व्लॉग्स पे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हम लोग सुबह सुबह आ गए हैं, मैं पैदल पैदल आई हूँ आज, क्योंकि मेरी स्कूटी को थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, तो उस बेचारी को मैं गैराज में छोड़ के आई हूँ। क्या बैटरी डाउन होती रहती है, किक मार मार के लेके जा रही थी, तो मैंने सोचा कि उसको चार्ज भी कर लेते हैं और थोड़ा सा इधर उधर उसके फंक्शन तो उसको ठीक करने। तो आज थोड़ा सा कुछ वो है हमारा दिन, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आज स्पेशल है, क्योंकि आज जो एक नया एयरक्राफ्ट आने वाला है, जो कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे बार बार कि दिल्ली वाली फ्लाइट कब चली। तो चलो अब क्या हो गया, अच्छा तो अब चलने लगी है, तो आज आने वाली है, थोड़ी देर में वो पहुंचने वाली होगी, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी एयरक्राफ्ट भी, और काफ़ी बड़ा है, तो आप लोग देखिए और बुकिंग वगैरह स्टार्ट कर दीजिए जिसको दिल्ली जाना है। तो एक घंटे में आप लोग पहुंच जाएंगे दिल्ली। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोग को अभी। क्या हुआ, नहीं हुआ यार, रुको गाइस, ये लोग बार बार पूछते हैं। तो आज हम लोग अपने कंपनी की ड्रेस भी पहन के आए हैं, फ्लाई बिग की, और मेरे मुंह से बार बार फ्रैंकफर्ट। उस दिन मैं एक पैसेंजर को भी कॉल करके कह रही हूँ, हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। हाँ, तो मेरे मुंह पे वही आता है जो कॉलेज का नाम था, फ्रैंकफर्ट। तो बड़ी मुश्किल से मैंने याद किया है, फ्लाई बिग से हूँ मैं अब। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं, 5-10 मिनट में पहुँचने वाला है, तो बने रहिए मेरे व्लॉग पे। तो आज ट्रायल है, तो आज यहाँ पे SDM सर आ रखे हैं, बहुत सारे पुलिस वाले जो जितने भी हैं सभी लोग आ रखे हैं, और कल से फ्लाइट स्टार्ट है। तो ये है अलायंस एयर का एयरक्राफ्ट, जो कि काफ़ी बड़ा है, 42 सीटर है, तो आप सभी लोग बुकिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत भी है, ये एयर इंडिया का एक पार्ट है, तो ये है अलायंस एयर। ये देखिए कितने खूबसूरत इसके पंखे हैं, फुड़ 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 फुड़। तो और इतनी तेज आवाज आ रही है, तो जो लोग पिथौरागढ़ से उनको तो पता ही होगा, ये ऊपर पे नैनी सैनी गाँव है, फिर उसके बगल में सुजई गांव है, तो बहुत ही बढ़िया हो गया हम सभी लोगों के लिए, टूरिज्म भी बहुत सारा बढ़ेगा अभी, और बहुत सारे लोग जो आ नहीं पाते थे सिर्फ ट्रैवलिंग की वजह से, तो अभी सभी लोग आ सकते हैं। तो ये देखिए अभी यहाँ पर हेरिटेज का चॉपर भी आ गया है, और अभी रेगुलर चल रहे हैं यहाँ पर हेरिटेज का चॉपर जो है, वो 2 बार चल रहा है, दिन में 2 बार चल रहा है, तो एक बार में 7 पैसेंजर जा सकते हैं और 7 आ सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया हो चुका है सभी लोगों के लिए। आपके लिए हेलीकॉप्टर सुविधा हो चुकी है, आपके लिए देहरादून पंतनगर के लिए फ़्लाइट हो गई, अब तो दिल्ली के लिए भी आपके लिए फ़्लाइट हो गई, तो आप सभी लोग इस चीज़ का बहुत। तो ये देखिए सारे पैसेंजर्स निकल रहे हैं, तो देखिए कितनी बड़ी सुविधा हो चुकी है, बहुत टाइम बाद हुआ लेकिन हो गया है, तो बहुत खुश हैं हम सभी लोग। तो आज ट्रायल था जो भी हो चुका है सक्सेसफुल, और अभी फ्लाइट वापस जा रही है, कल से कंटिन्यू चलेगी यहाँ पे। तो एक और बात थी मेरे मन में जो मैं सभी लोग को बोलना चाहती हूँ, कि जैसे हम लोग रोज़गार के लिए बाहर को चले जाते हैं सभी गांव वाले, हमारा मेन यहाँ से पलायन का कारण ही ये रहता है कि
रोज़गार नहीं है, लेकिन अभी देखो यहाँ पे बहुत सारा टूरिज्म बढ़ने वाला है, तो जो भी सबको नहीं मिल पाएगा, लेकिन जितनों को भी मिले मैं चाहती हूँ कि बढ़ चढ़ के आप सभी लोग हिस्सा लें। देखिए बाहर के लोग आते हैं क्योंकि पता है अभी यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, तो वो लोग जैसे इतना टूरिज्म आता है, मतलब जैसे बाहर से पर्यटक लोग आएंगे देखने के लिए, तो उनको बड़े बड़े होटल चाहिए होते हैं, जो भी सारी चीज़ें होती है, तो बाहर के लोग आके यहाँ होटल बनाते हैं, छोटे छोटे दुकानें खोलते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा रहता है। तो यही सब हम लोग यहाँ के पहाड़ वाले लोग भी कर सकते हैं। तो आप ये देखिए अभी ये वापस से टेक ऑफ कर रहा है, और कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए, तो हो चुका है टेक ऑफ, और इतना खूबसूरत ये देखिए पिथौरागढ़ में अभी क्या नहीं है, सब कुछ सुविधा मिल चुकी है। तो आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इतना ही मैं कहना चाहूँगी। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है, आप लोग अब सीधे सीधे बिना बस की धक्के खाए, ये पीछे मेरी फौज है गाइस। तो आप सभी लोग सर रुक जाओ थोड़ी देर, फिर हंसना। तो बहुत ही बढ़िया हो गया हम सभी पिथौरागढ़ वासियों के लिए, अभी हम सीधे सीधे जा सकते हैं यहाँ से दिल्ली, एक घंटे में दिल्ली, एक घंटा भी नहीं लग रहा, 55 मिनट ऐसे है। तो अरे पिथौरागढ़ टू दिल्ली बुकिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। एक हमारा कबूतर आया है गाइस, देखो हमारे एयरपोर्ट में कबूतर भी है, ये है कबूतर, देख लो, देख लो साहब, देख लो, वो चले गए हैं अब, वो कबूतर के कबूतर मंगाएंगे वो। मैंने इस पे बोला फिर पोस्ट कर दी थी, मैं यहाँ पे मैनिफेस्ट डालो ग्रुप में, आप रिटर्न करेंगे वापस इधर वापस जस्ट अभी डाले। तो अभी हो चुकी हमारी छुट्टी, आती है गाइस, आपके लिए बेस्ट न्यूज़ है, पता है क्या क्या है, तो गाइस बड़ी मुश्किल से रुकना, अरे मैं तो बड़ी मुश्किल से हम लोग एडजस्ट हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत पतली जगह है, और हमने सोचा सब, और ये लड़की काफी मोटी भी है इसलिए बहुत तो एडजस्ट होने में टाइम लगा। कमेंट में आप बता सकते हैं कि मोटा कौन है। तो अमन बेचारा दिख नहीं रहा है, अमन का रुक जा, मुझे गाइस इन्होंने छुपा ही दिया, लाना नहीं चाहते मुझे स्क्रीन पे। तो ठीक है, मैं आप लोग को, मैंने सर को इसलिए बुलाया है क्योंकि सर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको एलायंस एयरलाइन के बारे में, जो की अभी यहाँ पे पिथौरागढ़ टू दिल्ली चलने वाली है। तो सर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ये फस फस मत कर यहाँ पे सर, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। ओके, ये हमारे एपीएम सर है, एयरपोर्ट मैनेजर सर, ये फ्लाई बिक के हमारे। हाँ सर चलो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून, मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बहुत कुछ करने की बात है। सर का फोन आ रहा है, एक सेकंड, इम्पोर्टेंट है। तो हम फिर से कंटिन्यू करते हैं सर, आप बताइए। तो आप लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज इसे बोलिए कि यहाँ पर एक फ्लाइट भी लॉन्च हुई है जिसके ज़रिए आप जा सकते हैं, देहरादून भी आ सकते हैं और दिल्ली भी आ सकते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी को इमरजेंसी है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हो कि यहाँ के विलेजर्स कुछ मेंबर्स आते थे, अप्रोच करते थे उनको, तो दिल्ली जाना है कैसे जाएँ, दिल्ली जाने के लिए उनको एक दिन स्टे करना होता था होटल पर। अब लेकिन आप, आपकी समस्या का समाधान हो चुका है, आप डायरेक्टली दिल्ली जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और सेम फ्लाइट के उसी रात में या उसी दिन वापस भी आ सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बहुत बोल रहे थे कि दिल्ली वाली फ्लाइट कब चल रही है, टिकट क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछ रहे थे। तो ऑनलाइन आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, कल से फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है, तो आज ट्रायल था और वो भी सक्सेसफुल हो चुका है, तो कल से आप लोग जा सकते हैं दिल्ली पे, दिल्ली जा सकते हैं, देहरादून जा सकते हैं, पन्नगर जा सकते हैं, हल्द्वानी जा सकते हैं, मुनस्यारी। तो इतना ज़्यादा अभी वो हो गया है कि डेवलप हो गया है पिथौरागढ़ में कि आपको ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। जैसे लोग यहाँ से चंपावत, पिथौरागढ़, देहरादून, पन्नगर, दिल्ली, बहुत सारी जगह, जैसे छोटी छोटी जगह है वहाँ पे हम लोग टैक्सी वगैरह से जाते थे, और रुकना खाना रास्ते में वही टिकट का लगभग मिला के खर्चा काफ़ी हो ही जाता है। तो जैसे फ़्लाइट का हमारा स्टार्टिंग जो भी है अभी यहाँ पे मैं नहीं बता सकती, आप लोग ऑनलाइन जाके चेक कर लीजिएगा। तो बहुत सभी लोग बहुत हैप्पी हो जाइए जिनको कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे कब से, तो कल से स्टार्ट हो चुका है। तो सर और कुछ बताना चाहेंगे? हम लोगों ने इसका काफ़ी वेलकम किया, क्योंकि मेरा भी इसमें एक्सपीरियंस रहा कि मुझे दिल्ली से देहरादून से आने के लिए बस का यूज़, कोई ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता था, उसमें मतलब काफ़ी दिक्कत होती है, किसी को एलर्जी है, किसी को ठंड की दिक्कत है, किसी को सर दर्द होता है, किसी को वोमिटिंग होती है। तो अब ये समस्या का समाधान हो चुका है, आप डायरेक्टली फ्लाइट यूज़ कर सकते हैं, और वो भी चीप रेट में, बिल्कुल बुकिंग आप शुरू हो चुकी है, आप डायरेक्टली साइट पर भी जा सकते हैं,
बुकिंग चेक भी कर सकते हैं, और आगे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको देते रहेंगे मेरे ब्लॉग के जरिए। अंजलि भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर चुकी है, अमन भी बना रही है, अमन भी बना रही है तो अमन भी ब्लॉग बना रहे हैं, तो सभी लोग अगर तो सभी लोग हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब सबका चैनल यार, आपको देते हैं पार्टिशन, तो जो भी आएगा ये लोग क्या पता मुझसे मांगेंगे, लेकिन मेरे खुद गिने चुने आ रहे हैं। तो मैं तो सर फिर से कुछ एक दो बातें और बताएंगे आप लोगों को। सो डियर गाइस, इट्स वेरी गुड न्यूज एंड इट्स वेरी एम्पल टू वेलकम द न्यू एंड ग्रोवेट एयरलाइंस टू आवर स्टेशन। सर क्या हुआ ना, पिछली बार आपने जब भी हमने इंटरव्यू वाला बनाया था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वो इंग्लिश समझ नहीं आ रही आपकी, तो आप हिंदी में अगर करे तो बेटर होगा। नो, आई हैव वेरी कंफर्टेबल इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक वेरी कंफर्टेबल। यू कैन, बट मेरे जो कुछ एक आध सब्सक्राइबर्स जो भी है उनको थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा आपका एक्सेंट ना चेंज है, तो फिर इसीलिए तो आप थोड़ा सा हिंदी में कीजिए। हिंदी में करना है, ठीक है ठीक है। तो गाइज, आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपकी स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग आपको जल्द से जल्द एयरपोर्ट पे देखना चाहते हैं, जो भी लोग बुकिंग बना रहे हैं, और उन लोगों का खास वेलकम है जो आ रहे हैं एयरपोर्ट पर, और कुछ सरप्राइजेस भी होंगे जो अभी मैं बताना नहीं चाहूँगा, ठीक है, जो आपको बाद में धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। और जो अभी रोजगार से रिलेटेड है वो भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी सर बता दीजिए थोड़ा सा। रोजगार के रिलेटेड बहुत है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो उनको ज्यादा इमरजेंसी है, देहरादून जाना है बहुत इमरजेंसी है, न्यू दिल्ली जाना है बहुत इमरजेंसी है, तो अब वो सारी चीजों का समाधान हो चुका है। और ये भी है कि देखो, जैसे जितना अभी बड़ी बड़ी एयरलाइंस आ रही है, तो आप लोग के लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है कि बहुत सारे लोग आके अपना इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। जब भी आएंगे तो अभी हम इन्फॉर्म करेंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब भी आएंगे हम आप लोग को बताएंगे, क्योंकि जैसे लोडिंग स्टाफ है जो, वो सारा कुछ हम लोकल, मतलब हम क्या मीन्स की जो उनकी कंपनीज है वो लोकल के ही लेंगे, तो मैं आपको अपने ब्लॉग के थ्रू बताते रहूँगी कि लोडिंग स्टाफ उसमें आएंगे, कैटरिंग स्टाफ आएगा उसमें, उसमें सिक्योरिटी कमर्शियल्स आएंगे और भी क्लीनर्स आएंगे, तो आप लोगों के लिए और भी आसान हो गया। आप ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हैं, जाकर रिक्रूटमेंट वैसे वहाँ पे अपना रिज्यूम भी अपलोड कर सकते हैं आप, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, तो बहुत सारी अभी नई नई चीज़ें आने वाली है आप लोग के लिए, गुड न्यूज़ भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पैसे वाले लोग हैं वो जा सकते हैं, कभी कभी देखो ऑनलाइन आप चेक करते रहोगे तो बहुत लो प्राइस में भी आपको टिकट मिल जाती है देहरादून के लिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाई उस पर भी होता है, तो आप लोग चेक करते रहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रईस लोग जाएंगे, हम सभी लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं सारे लोग जाके ट्रैवल कर सकते हैं। तो क्योंकि सबके, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे हैं मिडिल क्लास है, सबको मन करता है कि हम लोग भी फ्लाइट से जाएं, तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप सभी लोग बने रहिएगा मेरे व्लॉग पे, ऐसे ही आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई देखने को मिलेगी, और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, बाय बाय।